हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंगलर जीतू पे। दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉक के बारे में। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि साथ में मैं आप लोगों को फिशिंग के बारे में कुछ ऐसी टिप्स और जानकारी दूंगा, जिसे जानकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाओगे। अगर आप शिकारी हो और फिशिंग करने का शौक रखते हो और फिशिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो और बेहतर शिकारी बनना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फिलहाल मेरा YouTube पे एक छोटा सा परिवार है, जिसमें आप जैसे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के सदस्य बने हैं, और भी नए लोग हमारा वीडियो देखते हैं और उसे पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बन रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे नए दोस्तों ने कमेंट किया था कि हमें फिशिंग के दौरान, जब खास करके मरल फिशिंग के लिए जाते हैं, तो उस फिशिंग के दौरान हमें कौन से कलर का फ्रॉग यूज़ करना है और कितने ग्राम का यूज़ करना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को समझने और सीखने में मुझे कुछ महीनों लग गए, वो मैं आप लोगों को कुछ मिनटों में सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जितना टाइम मैंने गवाया है वो आप ना गवाए और कुछ ही टाइम में आप बेहतर शिकारी बन सको। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉक के वजन के बारे में, कि फ्रॉग कितने ग्राम का होना चाहिए। दोस्तों, मेरे सभी शिकारी भाई एक ही जैसा रॉड यूज नहीं करते। जो हमारा स्टिक होता है वो हर किसी के पास अलग अलग अपनी पसंद का होता है। तो कई दोस्तों के पास हैवी रॉड होगा, जिसमें लचीलापन कम होगा, और कुछ दोस्तों के पास थोड़ा नॉर्मल रॉड होगा, जिसमें लचीलापन ज़्यादा आता है। तो उसमें जो ज़्यादा लचीलापन होता है, उसमें हम हल्के लूअर्स भी अच्छी तरह से कास्टिंग कर सकते हैं, और जो हमारा हैवी रॉड होता है उसमें लचीलापन थोड़ा कम होता है। इसके वजह से हमें कम वेट वाला लूअर्स दूर तक कास्टिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आप फ्रॉग यूज़ करते हो, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रॉग हम कितने दूर तक हमारी स्टिक से फेंक सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग कास्टिंग के लिए हमारा रॉड और हमारे रील के अंदर की लाइन, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यही सबसे बड़ी रोल अदा करती है। तो दोस्तों, अगर हमारा फिशिंग का लाइन बड़ा होगा, ज़्यादा एमएम का, और फिशिंग का रॉड भी हैवी होगा, तो उससे हम हल्के लूअर्स कभी दूर तक कास्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा फिशिंग रॉड का सेटअप के हिसाब से हम हमारे फ्रॉग के वजन को डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रॉग के कलर के बारे में। मेरे कई दोस्तों के कमेंट आए थे कि हमें कौन से कलर का फ्रॉग यूज़ करना चाहिए, और मेरे कुछ दोस्तों का मानना है कि हमें ये कलर यूज़ करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें वो कलर यूज़ करने से अच्छा अटैक मिलता है। पर दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही है, पर मेरे अनुभव के हिसाब से फ्रॉक का कलर मायने नहीं रखता, क्योंकि मरल फ्रॉक के कलर देख के अटैक नहीं करती। दोस्तों, जब हम कास्टिंग करते हैं और कहीं दूर जाके हमारा फ्रॉक गिरता है, जहाँ पे हमारा फ्रॉक गिरा वहाँ से लेके जहाँ पे हम खड़े हैं उसके बीच की जो दूरी है, उसमें कहीं पे भी मरल बैठा हो सकता है। तो उसे मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा फ्रॉग यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग कलर के जीव जंतु होंगे, जिसे वो रोज़ देखता है, रोज़ फील करता है। इसके लिए वो वहाँ पे हलचल करने वाली हर चीज़ पे अटैक नहीं करता, क्योंकि बहुत बार आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे कुछ पानी वाले सांप भी घूमते हैं, और पानी में तैरने के टाइम पे वो अपनी मुंडी ऊपर करके तैरते हैं, तो देखने में एक छोटा सा फ्रॉग जैसा ही दिखता है, पर उसमें जो चलने का तरीका है वो कुछ अलग होता है। वो जब पानी पे चलता है तो कुछ अलग तरह की हलचल होती है,
उससे उसे मालूम पड़ता है कि वो एक सांप है, इसके लिए उसके ऊपर मरल अटैक नहीं करती। तो हमारे जैसे कुछ नए एंग्लर्स हैं, कुछ शिकारी हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से फ्रॉग को भी चलाते हैं। उसे लगता है कि ये कुछ अलग चीज़ है, ये फ्रॉग नहीं है, इसके लिए वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती। अगर आपका फ्रॉग चलाने का तरीका ही गलत होगा, आपका फ्रॉग चलाने की स्पीड ही गलत होगी, तो आप कौन सा भी फ्रॉग यूज कर लो, बेहतर से बेहतर फ्रॉग लेके आओ, महंगे से महंगे फ्रॉग लेके आओ, पर कभी भी मरल आपके फ्रॉग पे अटैक नहीं करेगी। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना कि मरल कभी अटैक नहीं करती, उसे करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसे किस्मत समझते हैं, पर मैं उसे एक टैलेंट समझता हूँ। अगर आप में वो टैलेंट है तो आप किसी भी मरल को अटैक करवा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे मरल है, और नहीं भी मालूम है कि यहाँ पे मरल है, फिर भी आप अपनी टेक्निक से कहीं पे भी बैठा होगा मरल, फिर भी आप अपने फ्रॉग के ऊपर अटैक करवा ही लोगे। पर इसके लिए आपको मेरी बताई गई बातों को ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले जब हम कास्टिंग करते हैं और हम फ्रॉग को रील करते हैं और पानी में चलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फ्रॉग कुछ लहरें बनाता है। हमारे फ्रॉग के अगल बगल में कुछ राउंड लहरें उठती है, और उसी दौरान हमारे फ्रॉग चलने की वजह से कुछ वाइब्रेशन होती है। उसी वाइब्रेशन को फील करके वो मरल की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, और उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ से कोई फ्रॉग जा रहा है। पर वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो फ्रॉग है उसका डिज़ाइन परफेक्ट होगा, उसका जो शेप है वो सही होगा, तभी पानी में इस तरह की हलचल आप क्रिएट कर सकते हो। और उसी हलचल को देख के मरल तुरंत अट्रैक्ट होता है और आके तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे फ्रॉग होते हैं जो पानी में अलग अलग तरह से चलते हैं, अलग अलग लहरें बनाती है। तो हमें ऐसा फ्रॉग सिलेक्ट करना है जो पानी को उड़ाते हुए चले, क्योंकि जब भी रियल फ्रॉग चलता है तो पानी के ऊपर दौड़ता है, जिससे उसके पैरों के जो पंजे हैं उससे पानी उड़ता रहता है। तो हमें भी ऐसा फ्रॉग यूज़ करना है जिससे पानी में ज़्यादा हलचल हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े शिकारी हैं जो फ्रॉग के आगे की तरफ एक छोटा सा पंखा लगाता है। जब वो फ्रॉग पानी में चलता है तो वो पंखा घूमता है और पानी ऊपर उड़ता रहता है। ऐसी चीज़ों पे मरल बहुत ही जल्दी अटैक कर लेता है। तो हमें ऐसा ही कोई फ्रॉग यूज़ करना है जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, ये चीज़ सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर आप थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से सीख सकते हो। अगर आपने एक बार ये चीज़ सीख ली, तो फिर आप किसी लकड़ी का टुकड़ा भी लेके आओ और उसे फ्रॉग के आकार बना के पानी में फेंकोगे तो मरल उस पर भी अटैक करेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मरल हमेशा पानी में होने वाली हलचल और वाइब्रेशन को फील करके उसके ऊपर अटैक करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आप नए शिकारी हैं या फिर फिशिंग सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा फिशिंग के रिलेटेड नई नई जानकारी भरे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हमारे हर आने वाला वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।